सबसे पहले मैं आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व या मैं कहूं कि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में शक्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि निरंतर बढ़ती रहे। हमारे यहां एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि रामायण मनुष्य को जीना सिखाती है। क्या करना है? नहीं, रामायण आपको बताती है कि जीवन में क्या करना है, महाभारत बताती है कि क्या नहीं करना है, और श्रीमद् भागवत गीता जीवन श्रेष्ठ तरीके से कैसे जीना है ये हमें निर्देशित करती है। मैं अपने सीओ रमेश कुमार को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं। 29 मार्च को ही हमारे श्राइन बोर्ड को, जिसके वो सीईओ हैं, उनके सभी सहयोगियों की मेहनत के कारण दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति जी ने 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार में अनुकरणीय कार्य करने के लिए इस पूरे इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में पुरस्कृत किया है। ये हम सबके लिए जल संरक्षण अभियान, प्रदूषण को कम करने तथा स्वच्छता को सुनिश्चित करने का जिस प्रकार प्रभावी कदम श्राइन बोर्ड ने उठाया है, उससे जम्मू कश्मीर के अन्य इंस्टीट्यूशंस को भी, अन्य संस्थाओं को भी प्रेरणा मिलेगी और पर्यावरण को लेकर के व्यक्ति में बदलाव के संकल्प को हम पूरा कर सकेंगे। मित्रों, नवरात्रि के 9 दिन में वैदिक जीवन पद्धति की तरफ चलने का हम सबका आग्रह रहता है। पिछले अनेक वर्षों से विकसित राष्ट्र भी खुले मन से इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी धरोहर चिंतन की सर्वोत्तम निधियों को इसी से मान्यता मिलती है। मैंने वैदिक जीवन पद्धति का उल्लेख जानबूझ करके किया, और इसलिए किया क्योंकि ये समझना जरूरी है कि महाभारत काल से, यानी जब से माँ की शक्ति और करुणा का लिखित विवरण मिलता है, तब से साधना को मन मस्तिष्क की एकाग्रता समाज के विकास के लिए आंतरिक अनुशासन के माध्यम के रूप में ही अपनाया जाता रहा है।
पिछले वर्षों में जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए कीर्तिमान बन रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में, हर सेक्टर को अगर देखें तो एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है। मैं उस विषय में आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, किसी दूसरे अवसर पर उसकी चर्चा करूंगा। जम्मू कश्मीर सभी धर्मों की महान भूमि रही है और सभी धर्मों के नैतिक उपदेशों की मौलिक परंपरा को कायम रखते हुए यहाँ के लोग विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। इसके अलावा जन सुविधाओं पर भी तेजी से काम किया जा रहा है और मैं सभी स्वयंसेवी संगठनों से, धार्मिक संगठनों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़ करके इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की आवश्यकता है और योगदान देने की आवश्यकता है। एक तथ्य मैं केवल आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज देश भर से पर्यटक जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो तेजी से परिवर्तन हुए हैं, 1,00,000 करोड़ रुपए आज जम्मू कश्मीर में रोड और टनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहे हैं। ये भारत सरकार के हाल ही में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कटरा अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे, अब इसके बन जाने के बाद लोगों को पहुंचने में कितनी सुविधा होगी, इसकी सहज कल्पना आप कर सकते हैं। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, पिछले 6 महीने में यानी अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 79,15,536 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे, यानी मोटे तौर पर 180 दिन में 80 लाख के करीब सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।